मार्केट, कोलकाता मार्केट। इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट बस मिल रहा है, ओले ओले पता नहीं क्या है, चूहा भी मिल रहा है। गाइस जो सामने बिल्डिंग है ना, ये है यहाँ पे नेशनल म्यूजियम, ये देखिए। तो अभी ना हम दिन में ही घूम रहे हैं, मतलब एक दिन है हमारे पास घूमने के लिए कोलकाता गाड़ी में। वैसे तो लोकल ही घूमना पड़ता है, एक दिन में हम खाली एक एक जगह पे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम बार बार से आपको दिखा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ पे हमको जाना होगा। ये क्या है, नेशनल म्यूजियम? हाँ ये देखिए नेशनल म्यूजियम, ये इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम। गाइस अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया पैलेस की तरफ, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, बिरला प्लैनेटेरियम। ये प्लैनेटेरियम इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम है जी, और इंडिया का फर्स्ट जी। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये बहुत मस्त जगह है बच्चे लोगों को, बड़े के भी नॉलेज गेन करने जी। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। अच्छा, तो गाइज लुक एट दिस, दिस इज विक्टोरिया पैलेस, ये देखिए। उसका व्लॉग हम अलग से जरूर डालेंगे क्योंकि बहुत ही फेमस है यहाँ पे, ये देखिए विक्टोरिया पैलेस यहाँ से दिख रहा है, तो अंदर का भी वीडियो डालेंगे जल्दी। फिलहाल ना हमको वो देखना था कोलकाता में कौन कौन सी फेमस जगह है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जहाँ पे वो बांग मिल रहा था या कुछ भी था वो हमने चलाया। ये फेमस जगह, ये देखो सब जी जी गाड़ी लेके घूमता है। अच्छा, यहाँ पे वो टांगा 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 बोलते हैं इसको। हाँ यहाँ पे ना विक्टोरिया पैलेस के बाहर ही मिलता है ये, तो इसको वो क्या प्राइस मांगते हैं, कहाँ तक जाता है ये यहाँ जो सेंट्रल में जो गार्डन है जी, इसको गोरेर मार्ट बोलते हैं जी। तो इसी जगह में ये घुमाते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, शायद 2000 लेता है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 2000। लेकिन डिपेंड करता है सीजन टू सीजन और बेस्ड ऑन टूरिस्ट का जो अवेलेबिलिटी है। टूरिस्ट जगह ज्यादा आ गया ना इस जगह, जिस हिसाब से भीड़ होगी तो उस हिसाब से लेंगे। सामने जो फील्ड है वो तुम्हारा ये है रेस कोर्स, रेस कोर्स। हाँ, घोड़ा घोड़ा दौड़ता है। अच्छा, लॉटरी लगता है, जुआ मतलब उसको बोलते है ना, वो जुआ लगता है, पैसे पैसे लगता था एक टाइम पे, अभी नहीं लगता। अभी है लेकिन वो हॉर्स राइडिंग होता है। हाँ, हॉर्स लेके करता है लेकिन वो मजाक में जाता है। पहले तो सीरियस लोगों का जो लटरी लगाता था ना, इस तरह से लगता था पैसा लगाता था, दारू पी के आके इधर में बंगाली लोग तो बोलते हैं कोलकाता का गरेर मार्ट, गरेर मार्ट या मैदान एरिया जी। यहाँ जितना भी तुम्हारा तीन कोलकाता का जो तीन फुटबॉल क्लब है ना, जायंट बोलते मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन, इन तीनों का क्लब का अपना क्लब हाउस और अपना स्टेडियम भी है। इस रोड को बोलते हैं रेड रोड, रेड यहाँ से देख के ना उतना तब जो दिखाई दे ना जी, ईद के टाइम पे पूरा रोड ब्लॉक कर देता है। ईद के टाइम, हाँ, ईद के दिन के नमाज पढ़ता है। अच्छा, इस रोड के इसी रोड पे नमाज पढ़ते ईद के दिन एकदम पूरा। ओके, 50,000-60,000 लोग आ जाता है पूरा एरिया में। अच्छा, आज ना मैंने व्लॉगिंग नहीं की, आज हमारे भाई ने व्लॉगिंग की पूरी की। ये देखो स्टेडियम, ये कौन सा स्टेडियम है? ये ईडन गार्डन, ये इंडिया का फर्स्ट स्टेडियम है। अच्छा, ये स्टेडियम के बारे में बहुत से लोगों को पता ना, ईडन गार्डन स्टेडियम है ना, ईडन गार्डन स्टेडियम इंडिया का फर्स्ट स्टेडियम, फर्स्ट स्टेडियम। और इस स्टेडियम में क्रिकेट के साथ साथ ये फुटबॉल, जो हमारा स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम नहीं था कोलकाता में, तब ये तुम्हारा फुटबॉल भी होता था इसमें जी। ये रहा वो स्टेडियम, ईडन, ईडन गार्डन। Okay. इंडिया में क्या, मुंबई के बाद फर्स्ट मुंबई में हुआ था दूरदर्शन। अच्छा, तुम्हारा रेडियो भवन जो ये सेकंड, सेकंड है मुंबई के बाद कोलकाता में जी आकाशवाणी। ये तुम्हारा हाईकोर्ट, यहाँ से हाईकोर्ट, यहाँ से राजभवन एरिया, ये देखो दिखा दे रहे ना। हाँ जी, हाईकोर्ट असेंबली, राइटर्स बिल्डिंग, ब्रिटिश के टाइम में इसलिए फर्स्ट हाई कोर्ट। हाँ, तो यहाँ से राजभवन ये भी फर्स्ट ही होगा, मतलब हम फर्स्ट ही चल रहे हैं यहाँ, फर्स्ट चल रहे हैं ये इसके लिए कि तुम एक टैगलाइन देने लगा, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, बस इतना ही टैगलाइन रखेंगे, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, तो सबको पता चलेगा भाई ये कहाँ है वो कहाँ है। अभी हम लोग जा रहे हैं जीपीओ, जीपीओ जन पोस्ट ऑफिस। अच्छा, वो भी फर्स्ट है कोलकाता में। हम आज फर्स्ट फर्स्ट दिखा रहे हैं आपको, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट स्टेडियम, फर्स्ट होटल, सब कुछ फर्स्ट। हाँ, आज का व्लॉग भी फर्स्ट होना चाहिए, ये ना लाख से ऊपर इसके व्यूज होने चाहिए।
यहाँ से राइटर्स एरिया स्टार्ट हो रहा है। ओके ये देखो तो यही बाग के बारे में ही मैं बताऊंगा। पिवाजी बाग का ओके जीपीओ जीपीओ ओके सामने में वही पे है कोयला भवन बोल के एक बिल्डिंग है। अच्छा। उसके पास ही उसका। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फूड फेमस कहाँ पे मिलता है? सबसे ज्यादा फूड कोलकाता, सबसे ज्यादा पूरा एंटायर कोलकाता ही फूड के लिए फेमस है। अच्छा, एंटायर मतलब कोई वो स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे हम कॉस्टिक एरिया है आपका रिनाउंड रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन कोलकाता में आप अगर स्ट्रीट फूड होता है ना, स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड सबके साथ पार्क एरिया ये देखो ये राइटर्स बिल्डिंग है। राइटर्स बिल्डिंग है ये। ओके राइटर्स बिल्डिंग है जी। इसका बारे में मैं बता रहा हूँ, ये राइटर्स बिल्डिंग अभी जो हमारा जो अभी जो करंट जो गवर्नमेंट है जी। उससे पहले यही था हमारा मतलब गवर्नमेंट का हेड ऑफिस, चीफ मिनिस्टर लोग सब यही पे बैठता है। अच्छा, तो अभी जैसे ममता दीदी का गवर्नमेंट आया यहाँ से लेके चला गया। अभी जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो जो मैप है उसमें दो जगह का तुम्हारा बहुत बड़ा मतलब अपदान बोलो या बोलो, एक है बंगाल एक है पंजाब, इनमें से ना 80% फ्रीडम फाइटर इसी जगह से देखोगे आया था। देखोगे जी। बंगाल मतलब सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस 47 में बंगाल का एक पार्ट बांग्लादेश बन गया। तो ये जगह हम अभी जो जगह में आया है इस प्लेनेट, यहीं से छोड़ता है ट्राम। अच्छा, यहाँ से छोड़ता है ट्राम, हम लोग चढ़ेगा ट्राम। ओके तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ट्राम राइड करने के लिए। ट्राम राइड मीन्स ट्रेन होती है ना, मतलब ट्राम पता नहीं क्या है भाई, वो ना एक कोच टाइप होता है जिसका मुझे बहुत ही शौक था यहाँ पे राइड करने की। तो आज देखते हैं आज कर पाएंगे या नहीं। ये देखो सड़क के बीच में जैसे कि यहाँ से गाड़ियाँ सब चलती है ना, वैसे ही यहाँ पे वो चलता है, ट्रेन टाइप चलती है, एक कोच जैसा चलता है सड़क के बीच में, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे ना वो जो ट्राम है ना, ट्राम बोलो कुछ भी बोलो, मैं ट्रेन ही बोलता हूँ ठीक है। यहाँ पे ना कोई शेड्यूल ये सब नहीं है, कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है। तो टिकट प्राइसिंग ये सब भी बताते हैं आपको अगर ट्राम आई तो। यहाँ पे ईस्ट इंडिया आर्म्स को ठीक है, यहाँ पे ना एक सेकंड में पढ़ के दिखाता हूँ आपको, गन एंड राइफल मेकर यहाँ पे बनता था पहले, अभी नहीं बनता। ये जो ईस्ट इंडिया आर्म्स अभी भी एक आर्म्स कंपनी है इधर में काशीपुर, काशीपुर राइफल्स वहाँ पर राइफल्स बनता है, लेकिन ये ईस्ट इंडिया आर्म्स कंपनी है दूसरा है। अच्छा, ये दूसरा है, ये ब्रिटिश का टाइम का है जी, ब्रिटिश का टाइम का। क्यों मैं गन एंड राइफल मेकर्स, ये गन एंड आप जूम करके दिखाओ, गन एंड राइफल मेकर, गन एंड गन और राइफल मेकर्स, ये देखो यहाँ पे कहाँ है अभी। अभी हम लोग आया है प्लेनेट चोरंगी अनादि केबिन, अनादि केबिन, अनादि केबिन, यहाँ का मोगलाई ये सब फेमस था, इस दुकान को देख लें। लेकिन 60s-70s उस टाइम का जो यहाँ का जो ऑफिस पड़ा था ना उस टाइम का ये सब। अच्छा, 60s-70s का ये यहाँ पे, तो हमको वहीं पे खाना है, कुछ टेस्ट यहीं पे करेंगे ना। ओके तो गाइस हम आए थे यहाँ पे खाने के लिए, यहाँ पे ना एक बंदे ने सिगरेट जलाया, जैसे कि हमारे यहाँ लाइटर होता है ना, यहाँ पे ना ये रस्सी जलाते हैं ठीक है सिगरेट जलाने के लिए। और एक इंजन है वो 1925 का है, 1925 का कैब नहीं है जी। तो मैं यहाँ से ना मैं चल मोगलाई रेस्टोरेंट है वो फेमस है। ओके 60s-70s में जब उसका फेमस इसलिए ज़्यादा, मतलब हम भी तो उतना हिस्ट्री पर के देखते हैं जो 60s-70s का जो बंगाली मूवीज है ना उसमें यहाँ इसका बहुत सारा दिखाई देता है। अच्छा जी, तो लेकिन इसका एक्चुअल इनोग्रेट हुआ 1925। तो मैं ना यहाँ से अभी गुजर रहा था, तो यहाँ पे ना लाइटर के बदले ये रस्सी होती है, कोलकाता का फेमस है, कोलकाता का फेमस है, तो ये जलाना है लेकिन हमको नहीं जलाना है। आ गया हमारा लंच, क्या बोलते हैं इसको, मुगलाई पराठा, मुगलाई पराठा, मुगलाई पराठा, अनादि का, हाँ अनादि करीम का मुगलाई पराठा, अनादि करीम का। हम लोग इंटरनेट में देखा 1925 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, लेकिन जो ओनर है वो बोल रहा है 107 ईयर्स हो गया, मतलब हमारा जो इंटरनेट का इंफॉर्मेशन वो गलत है, इंटरनेट का इंफॉर्मेशन गलत है, ये 107 107 ईयर्स चल रहा है जी। गूगल बोल रहा है 100 ईयर्स, 99 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 100 होगा, तो 107 ईयर्स पुराना यहाँ पे है ठीक है। खाते देखते टेस्ट करके, ये भी 107 ईयर्स पुराना है। ये कौन सा मार्केट है यहाँ पे, प्लेनेट, प्लेनेट, प्लेनेट। ओके यहाँ पे देखो मार्केट, मार्केट लड़ीजों का भी जेंट्स का भी, इसको लेना होगा आइए यहाँ पे उठाइए, शर्ट्स उठाइए, वॉच उठाइए, जो भी उठाना है उठाइए, फ्री 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 नहीं है भाई, पैसों का, पैसों का। मैंने ना शर्ट एक लाई क्योंकि मैंने ना कोलकाता के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं लाए थे, तो गर्मी हो रही थी ना, मैंने ना वो मोटे मोटे कपड़े लाए हैं। अगर इंग्लिश में पूछोगे तो बोला है हाँ प्लेनेट, प्लेनेट
बांग्ला में पूछोगे तो बोलेगा सब लोग रास्ता धर्मतला धर्मतला, और हिंदी में जो बोलेगा धर्मतला धर्मतला। ओके, धर्मतला मार्केट हिंदी में। यहाँ पे ना मेरे को लगता है चीपेस्ट मार्केट है। यहाँ पे मैंने 250 की शर्ट ली, यहाँ पे अच्छी खासी शर्ट ली, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। लेडीज आइटम भी मिलते हैं और बॉयज़ के लिए भी। ये देखो, चाहे आपको हुडी लेना हो, कुछ भी लेना हो। देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने हाफ टी शर्ट ले ली। कोलकाताज मार्केट। देखो, यह है ग्रैंड का एंट्रेंस, ठीक है। बहुत ही पुराना होटल है यहाँ पे, द ओबेरॉय ग्रैंड। ओबेरॉय ब्रांड, ओबेरॉय ग्रुप ने उसको एक्वायर किया, इसलिए ओबेरॉय ग्रैंड दिखा रहा। अच्छा, एक्चुअल नाम था उसका ग्रैंड। इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट बार था, ठीक है। क्या था ये? स्टार्ट हुआ न्यू मार्केट, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ न्यू मार्केट। यहाँ से मिल रहा है ओले, ओले पता नहीं क्या है, चूहा भी मिल रहा है। बंगाली में कुछ बोल रहे हैं ना तो समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या बोल रहा था? ओले ओले क्या हुआ? ओले अच्छा, ओए ओए, ओके। किसी को बुला रहा था, ओए ओए। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ओले ओले भेज रहा है। ये ना बहुत ही बड़ा मार्केट है, यहाँ से न्यू मार्केट, न्यू मार्केट स्टार्टिंग हुआ है। 10% भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी 10% भी नहीं हुआ है। अभी जो हम बोल रहे थे ना, क्या है, बंगाल में जो विंटर है, हाँ, वो 10 से 15 दिन का है। अच्छा, तो उस 15 दिन में हम लोग इतना सब एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कान पट्टी गाले में गड्ढा लगा के हम लोग ऐसे ही। और वो भी टेम्परेचर कितना होगा, हार्डली 17-18 उसी में हम लोग सब मर। हमारे यहाँ तो माइनस होता है। और यहाँ पे देखो क्रिसमस ट्री, और ऊपर देखो स्पाइडरमैन। अच्छा, ये बिल्डिंग है एक्चुअल मार्केट। हाँ, ये तो ऐसे रोड में बैठे हुए। हाँ, ये है मेन मार्केट, ये है न्यू मार्केट। ये देखो, ये बिल्डिंग में। हाँ, पे हॉग मार्केट, ये देखो, यहाँ से मेन मार्केट यहाँ पे यही है, SS हॉग मार्केट एंड न्यू मार्केट। यहाँ पे लेडीज के लिए भी ना बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी कलेक्शन है, ये देखिए, बहुत ही ज्यादा। यहाँ सब देखो ज्वेलरी, मेकअप, और लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी सब कुछ ना, सब कुछ A to Z मिलता है यहाँ पे, जो भी आपको लेना होगा। देखो, ये पूरा हॉग मार्केट, ठीक है, SS हॉग मार्केट। और यहाँ से कुछ संपर्क मॉल भी है, मतलब मार्केट के अंदर मॉल भी है, वो भी है, ये भी है, न्यू मार्केट है, बहुत सारे मार्केट, मार्केट के अंदर मार्केट। चाय पीते हैं, चाय खा, वो दूध वाली चाय मिलती है ना, ये कुछ अलग है यहाँ पे। ये कौन सी है? नींबू चाय, ये नींबू चाय। मसाला मार के, मक्खन मार के, तो ये ना यहाँ पे बहुत ही फेमस है ये वाली चाय। कश्मीर में ऐसी नहीं मिलती ना, आप जो कश्मीर आए हो वहाँ पे नहीं मिलती ना। मिलती है ना, मसाला वाला जो ये बोलता है ना, उसमें ऊपर बादाम बादाम डाल के, वो क्या बोलते, वो तो होता है वो कहवा, कौवा कौवा, ये कहवा नहीं, ये चाय है, ये चाय है। तो ये हमारे लिए कुछ डिफरेंट ही है।